डीएलएड विभाग से। आज मैं डीएलएड सेकेंड सेम की क्लास लेकर आई हूँ, जिसमें हमारा विषय है हिंदी। ठीक है, और टॉपिक है हमारा सामासिक पदों की पहचान व प्रयोग। तो सबसे पहले जानेंगे हम समास का क्या अर्थ होता है, समास किसे कहते हैं और समास के कितने भेद होते हैं। समास का अर्थ जो होता है उसका अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण, मतलब किसी चीज को संक्षिप्त करना, कम शब्दों में व्यक्त करना। समास दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने हुए सार्थक शब्द को हम समास कहते हैं। समस्त पद जो समास के हमारे नियम हैं उन सामासिक नियमों से निर्मित शब्दों को सामासिक पद कहते हैं। जैसे होता है हमारा लाभ हानि, यथाशक्ति, अतिक्रम, ये हमारे सामासिक शब्द हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा विग्रह। तो विग्रह सामासिक पदों में जो हमारी विभक्तियां लगती हैं उनको जोड़ करके उनका प्रयोग करना हमारा विग्रह कहलाता है। उसके बाद समास के भेद। समास हमारे कितने प्रकार के होते हैं? मुख्य रूप से तो हमारे समास जो होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं। अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास और द्वंद्व समास। ठीक है, लेकिन अक्सर हमारे छह समासों का प्रयोग होता है और यही हमारे अक्सर परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं। जो ऑप्शन आते हैं उसमें हमारा सिक्स आता है। बहुत कम ऐसा मिलेगा आपको कि कई बुकों में ये चार प्रकार के होते हैं। ठीक है, जो जहां पर इसमें चार प्रकार के बतलाए गए हैं वहां पर द्विगु समास और तत्पुरुष समास, ये दोनों हमारे कर्मधारय के ही भेद बतलाए गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारे छह भेद होते हैं वो है, पहला है हमारा अव्ययीभाव समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास और बहुव्रीहि समास। तो हम बतलाते हैं अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास जिस समस्त पद या सामासिक पद का प्रथम पद प्रधान हो व अव्यय हो उसे हम अव्ययीभाव समास कहते हैं। जिसका प्रथम पद प्रधान हो और अव्यय हो, ठीक है, उसे हम अव्ययीभाव समास कहते हैं। अव्यय जो होते हैं हमारे, सबसे पहले तो बच्चे यही पूछते हैं कि मैम जो अव्यय शब्द होते हैं ये कौन से होते हैं। तो जो हमारे उपसर्ग होते हैं वही हमारे अव्यय शब्द होते हैं। जैसे होता है हमारा प्रतिदिन, तो इसमें प्रति क्या है हमारा उपसर्ग। आजन्म, तो इसमें भी हमारा आ उपसर्ग है। आमरण, आ उपसर्ग है। ठीक है, तो जो हमारे कुछ शब्द ऐसे होते हैं अव्यय, अव्यय शब्द वे होते हैं जिनका जो लिंग वचन के अनुसार अपना रूप परिवर्तित नहीं करते, इनके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो ये हमारे अव्यय शब्द होते हैं। यथाशक्ति, यथा माने क्या होता है? जैसे। यथाशक्ति ये हमारा सामासिक पद है और विग्रह होगा इसका शक्ति के अनुसार। ऐसे ही यथामति, विग्रह होता है मति के अनुसार। प्रतिदिन, प्रतिदिन का अर्थ होता है दिन दिन, मतलब हर रोज। आजन्म, जन्म पर्यंत। आमरण, मृत्यु पर्यंत। प्रत्येक, एक एक। अधिहरी, अधिहरी में भी हमारा कई बार पूछा जाता है ये परीक्षा में कि अधिहरी में कौन सा समास होता है। तो अधिहरी में हमारा अव्ययीभाव समास होता है, क्योंकि उसका पहला पद होता है हमारा अधि। अधिहरी, ठीक है। इसके बाद हम बतलाते हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व समास जिस सामासिक पद के दोनों पद प्रधान हो, जिस सामासिक पद के दोनों पद प्रधान हो और
विग्रह करने पर और अथवा यह शब्द लगता है, जहां और शब्द का लोप हो जाता है, ठीक है, उसको हम द्वंद्व समास कहते हैं। सीधा सा सीधी सी परिभाषा होती है कि जिसके जिस सामासिक पद के दोनों पद प्रधान होते हैं उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे राजा प्रजा, तो राजा विग्रह करने पर होता है राजा और प्रजा, और शब्द का क्या होता है हमारा, लोप हो जाता है। ऐसे ही राम लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण, दाल रोटी, दाल और रोटी, दिन रात, दिन और रात, ठीक है। फिर आते हैं हमारे द्वंद्व समास के भेद। द्वंद्व समास जो होता है वो हमारा तीन, उसके तीन भेद होते हैं, इतरेतर द्वंद, एक शेष द्वंद और समाहार द्वंद। इतरेतर द्वंद जो होता है वह हमारा संयोजक शब्द और शब्द से जुड़ा होता है, जैसे हमारा होता है गुण दोष, गुण और दोष, सुख दुख, सुख और दुख, ठीक है। फिर हमारा एक शेष द्वंद समास, एक शेष द्वंद समास जिसमें प्रधानता तो दोनों सब शब्दों की बतलाई जाती है, दोनों ही हमारे पद प्रधान होते हैं, लेकिन उसमें से हमारा एक पद बचता है, जैसे होता है हमारा पितरव। तो पितरव शब्द में हमारा जब इसका विग्रह होता है तो विग्रह होता है माता और पिता, माता और पिता, पद हमारे दो दिए गए हैं माता और पिता, लेकिन शेष बचता है हमारा सिर्फ पितरव, जो हमारा सप्तमी विभक्ति का रूप होता है। ऐसे ही भ्रातरव, तो भ्रातरव हमारा भाई और बहन। फिर होता है हमारा समाहार द्वंद, जिसमें शब्दार्थ एक भिन्न अर्थ ही प्रकट करता है अपने अर्थ को छोड़कर, जैसे आटा दाल, ठीक है, तो आटा और दाल, लेकिन अगर एक कहावत सुनी हो कि आटे दाल का भाव मालूम हो जाता है, तो वहां पर आटे दाल का मतलब सिर्फ आटे दाल से नहीं है, जबकि उसका अपने जीवन में जो हमारे प्रयोग की वस्तुएं हैं आटे दाल का भाव से सारी चीजों का वर्णन हो जाता है। धन्यवाद।